ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर का बैक कवर है और ये कूलिंग फैन है जिसे ऑन करते हैं। इतनी खतरनाक आवाज इस फैन से आ रही है, जब ये फ्रिज के साथ चलता था तो फ्रिज में काफी आवाज आ रही थी। इस तरह की मोटर को एक बार जरूर रिपेयर करना चाहिए। इसमें क्या खराबी है इसे देखते हैं और रिपेयर करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल खान। आज इस मोटर को रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले इसके क्लैंप का स्क्रू खोलते हैं और असेंबली से मोटर को निकालते हैं। सबसे पहले इसकी फैन ब्लेड को निकाल लेते हैं। मोटर को खोलने के लिए इसके दोनों स्क्रू खोलते हैं और ऊपर की बुश असेंबली को रिमूव करते हैं। ये देखिए, इसका बुश एकदम ड्राई है। दोनों क्लैंप हटा लेते हैं और बैक साइड से बुश असेंबली को रिमूव करते हैं। ये बुश भी गंदा और सूखा हुआ है। रोटर को अलग करते हैं। इसके स्टेटर पर बहुत ज्यादा कार्बन है। सैंड पेपर का टुकड़ा लेते हैं और स्टेटर को अच्छी तरह साफ करते हैं। स्टेटर साफ हो गया। रोटर पर भी कार्बन है, इसे भी साफ करते हैं। रोटर भी साफ हो गया। दोनों बुश असेंबली को क्लीन करते हैं। रोटर की शाफ्ट के दोनों तरफ से सभी वाशर निकाल लेते हैं। शाफ्ट को सैंडपेपर से क्लीन करते हैं। दोनों बुश असेंबली में अच्छी तरह से आयलिंग करते हैं। रोटर की शाफ्ट पर भी आयलिंग करते हैं और इस साइड के सभी वाशर को लगा देते हैं। रोटर की शाफ्ट को एक बुश असेंबली में डालते हैं। दोनों को स्टेटर में इस तरह इंस्टॉल करते हैं। रोटर की दूसरी तरफ के शाफ्ट पर आयलिंग करते हैं और इसके सभी वाशर लगा देते हैं। दूसरी बुश असेंबली को रोटर की शाफ्ट पर कनेक्ट करके स्टेटर पर बैठाते हैं और एक स्क्रू फंसा देते हैं। एक क्लैंप को एक तरफ इस तरह से लगाते हैं, जबकि दूसरा क्लैंप स्क्रू हटाकर बैठा देते हैं। अब दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। फैन मोटर को सप्लाई देकर ऑन करते हैं। यह साउंडलेस रन कर रहा है। मोटर की शाफ्ट पर दोनों तरफ से आयलिंग कर देते हैं। फैन ब्लेड को क्लीन करके शाफ्ट पर लगा देते हैं। अब क्लैंप सहित मोटर को इसकी असेंबली पर बैठाते हैं। मोटर स्टार्ट करते हैं। मोटर के साथ असेंबली में कोई आवाज नहीं आ रही। असेंबली के साथ स्क्रू को टाइट कर देते हैं। मोटर के साथ असेंबली से कोई आवाज नहीं आ रही है। फैन मोटर सहित फ्रीजर के बैक कवर को इसकी जगह लगा देते हैं। अर्थिंग का ग्रीन वायर और फेस न्यूट्रल के दोनों वायर मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। बैक कवर को टाइट करके फ्रिज ऑन करते हैं। ये कंप्रेसर की आवाज है, पर फैन मोटर शानदार चल रहा है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।